हेलो दोस्तों नमस्कार फील्द आयुर्वेदा में आपका स्वागत है इस वीडियो में गंधक रसायन के बारे में जानेंगे इसके फायदे नुकसान सेवन विधि और इसके घटक द्रव के बारे में जानेंगे यह औषधि किसी भी कारण से दूषित हुए खून और त्वचा को सुधारता है इस औषधि के घटक द्रव्य तेज पत्ता दालचीनी छोटी इलायची गाय के दूध से तीन बार शुद्ध किया हुआ गंधक नाग केसर गिलोई का रस हरे बहेड़ा आंवला सोठ भांगरा अदरक मिश्री का चूड़ आदि हैं गंधक रसायन की सेवन विधि चार से आठ रत्ती सवेरे शाम जल दूध मंजिठादी क्वाथ या खदिरा रिस के साथ ले सकते हैं इस औषधि के सेवन से कुष्ठ खून की खराबी फोड़ा फोसी चक्तु का पड़ना आतशक गर्मी के विकार दूर हो जाते हैं धातु छह परमेह मंदाग्नि उधर पीड़ा में भी यह रसायन लाभ करती है रक्त की अशुद्धि के कारण इसमें आगे जो बनने वाली धातुएं हैं वे भी शुद्ध नहीं बन पाती वे धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती हैं। इस औषधि के सेवन से शुद्ध रक्त बनने लगता है शुद्ध रक्त बनने से इसमें बनने वाली धातुएं भी शुद्ध हो जाती हैं, जिससे खराब खून से आए विकार भी, भी दूर हो जाते हैं पित्त प्रधान रोगों में इस रसायन का विशेष उपयोग किया जाता है जलन होना जलन के साथ पेशाब होना हाथ पैर में जलन मस्तिष्क के भीतर कंठ जीभ में जलन होना ठंडे पानी में नहाने की इच्छा होना ठंडी चीजें खाने की इच्छा होना ये लक्षण पित्त की वृद्धि से उत्पन्न होते हैं ऐसी अवस्था में गंधक रसायन के प्रयोग से अच्छा लाभ होता है शरीर में छोटी छोटी फूंसियाँ होना खुजली ज्यादा होना कब्ज हो जाना खुजलाने पर थोड़ा बहुत खून भी निकल जाना ऐसी अवस्था में गंधक रसायन के सेवन से बहुत फायदा होता है उपदंश सुजाक विषयुक्त रोगों के पुराने हो जाने से शरीर में इस रोग के विष फैल जाते हैं इस विष के प्रभाव से वात वाहिनी न खराब हो वात संबंधी अनेक रोग हो जाते हैं जिससे शरीर के भीतर के अवयव कमजोर होकर अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते विशेषकर कर आते कमजोर हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में स्नेहन बस्ती का प्रयोग करें और फिर गंधक रसायन का सेवन करें। दंश रोग जब पुराने हो जाते हैं तो जोड़ो में सूजन शरीर में कभी कभी गांठ पड़ जाना कमजोरी ज्यादा महसूस होना हाथ पाँव का अपना पूरे शरीर में दर्द होना छोटी छोटी फूंसियाँ निकल आना ऐसे लक्षण दिखने पर गंधक रसायन के सेवन से अच्छा लाभ होता है इसी तरह सुजाक जब पुराने हो जाते हैं तो पूरे शरीर में जलन होने लगती है पेशाब करने में जलन होना जनेंदिरों को दबाने से दर्द होना थोड़ा थोड़ा मवाज भी निकलना ऐसी लक्षण दिखने पर गंधक रसायन चार रत्ती परवाल पिष्टी एक रत्ती में मिलाकर सुबह दोपहर शाम मधु के साथ मिश्री मिलाकर देने से अच्छा लाभ होता है बद में नीम के पंचांग का चूर्ण गंधक रसायन मिलाकर त्रिफला कु के साथ लें। खुजली कुष्ठ छोटी फुंसियों के लिए गंधक रसायन शक्कर और घी में मिलाकर लें। धातु विकार में दूध से लें। अठारह प्रकार के कुष्ठ विकार दर्द संक्रमण और अनेक प्रकार के क्षुद्र रोग इस औषधि के सेवन से ठीक हो जाते हैं धातुओं को शुद्ध करने और उनको बढ़ाने के लिए यह उत्तम औषधि है इस औषधि के सेवन से पहले अपने नजदीकी चिकित्सा से सलाह जरूर लें। धन्यवाद